हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर्स और कैरेक्टर्स, लुप्त संख्या या वर्ण समलीकरण। देखिए, ये चैप्टर आपका, जैसे आपको नंबर सीरीज कराई गई है, अल्फाबेट सीरीज कराई गई है, संख्या श्रेणी और वर्णमाला श्रेणी के क्वेश्चंस कराए गए हैं, उसी पैटर्न पर है। बस ये है कि इसका लिखने का तरीका अलग कर दिया गया है। नंबर सीरीज में आपके क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखे रहते थे, अल्फाबेट सीरीज में सीधे सीधे क्वेश्चन लिखे रहते थे, यहाँ पे क्या है कि आकृति बना करके कर दिया है। जैसे नंबर सीरीज में आप क्या करते थे कि पैटर्न पहचानते थे कि कहाँ दो का अंतर, कहाँ तीन का अंतर, कहाँ चार का अंतर, वैसे यहाँ पे भी आपको पैटर्न पहचानना है कि क्या क्या है इसने, ठीक है ना। तो इसमें जैसे वहां पे एक छोड़ करके एक में वृद्धि होती थी, दो छोड़ करके दो में वृद्धि होती थी, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आमने सामने वाले बढ़ रहे हो, आमने सामने वाले बढ़ रहे हो, तो जैसे पैटर्न आप उसमें पहचानते थे वैसे ही इसमें पहचानना है। अगर आपने नंबर सीरीज वाला टॉपिक अच्छे से किया है तो ये टॉपिक आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7, 15, 31, 63, 127, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अगर नंबर सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी 62 और 1 63, 63 दूनी 126 और 1 127, अब 127 दूनी 254 और 1 255 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 255, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है आपका कि 14, 10, 9, 7, 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 2 2 बढ़े 9 और 1 10 हुआ, यहाँ 1 ही बढ़ पाया, यहाँ 10 और 4 14 हुआ, यानी बढ़ने और घटने में तो कोई पैटर्न आपको नहीं दिखाई दे रहा है। फिर दूसरे तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ 5 का देखो डबल हो रहा है, 5 दूनी 10, यहाँ 7 का डबल हो रहा है, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का डबल हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आप क्या देख रहे हैं, 66 में अगर आप 3 से गुणा करोगे, 3 6 18 का 8 का 81, 3 6 18 और 1 19, यहाँ पे भी आपको 3 से 8 या 24, 3 से गुणा दिखाई देगी, 3 8 24 का 4 का 2 19 57 और 2 59, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 3 से गुणा हुई होगी। तो 3 से गुणा हुई होगी तो किस संख्या में 3 से गुणा करूं कि 66 आ जाए, तो 22, 22 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 22। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पे 1 और 2 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ रहा है, 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंपल, 8 क्या है आपका, 2 का क्यूब, 27 क्या है, 3 का क्यूब, 64 क्या है, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा, 7 का क्यूब, 343। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 343। इसमें देखिएगा क्या पैटर्न चल रहा है, 2, 3, 4, 5 कंजुगेटिव संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं, फिर 5, 7, 9 ये विषम संख्याएं चल रही है, 5, 7, 9, तो आगे क्या आ जाएगा, 11। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 5, 1, 8, 2, 25, question mark 64, 4। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर दिख रहा है आपको 4, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है 25, यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको 64, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिएगा, 4 से 7 हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 में से 1 कम हुआ, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 7 से 15 हुआ, यानी 7 दूनी 14 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 से गुणा 1 माइनस, यहाँ पे 2 से गुणा 1 प्लस, यहाँ पे देखो 15 दूनी 30, 2 से गुणा माइनस 1, तो क्या पैटर्न चल रहा है, 2 से गुणा माइनस 1, 2 से गुणा प्लस 1, 2 से गुणा माइनस 1, फिर यहाँ पे 2 से गुणा प्लस 1, यहाँ पे 2 से गुणा माइनस 1, यहाँ पे 2 से गुणा प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा, 2 से गुणा माइनस 1,
ठीक है, तो 235 दूनी 470 में से अगर एक घटा हो गए तो गाइस आंसर क्या आ जाएगा आपका 469। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 469। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखो तो यहाँ पे इन दोनों में कितने का अंतर है, 9 और 5 में कितने का अंतर हुआ, 4 का, सॉरी 5, 149 और 175 में कितने का अंतर होगा, 149 में 1 जोड़ोगे 150, 25 और 1 26 का अंतर बैठ रहा है। यहाँ पे देखोगे 75 और 25 200 और 3 25 और 3 28, तो यहाँ पे कितने का अंतर हो गया 28 का। यहाँ पे आपको 26 का अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 28 का दिखाई दे रहा है, तो 26 से 28 हुआ, तो 28 से आगे क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए अगर देखा जाए तो। तो यहाँ पे 30 का अंतर करोगे तो 203 में 30 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 233। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 233। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 में 9 से 13 हुआ, 4 बढ़ा, 13 से 22 हुआ, 9 बढ़ा, तो देखो ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बढ़ा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बढ़ा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बढ़ना चाहिए, तो 22 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज, 38। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 38। अगर आपने नंबर सीरीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो 1 का क्यूब माइनस 1 दिख रहा है, ये 2 का क्यूब माइनस 1, ये 3 का क्यूब माइनस 1, तो आगे क्या आएगा, 4 का क्यूब माइनस 1, तो 4 का क्यूब माइनस 1 यानी 4 का क्यूब 64 में से एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 63। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 81 का स्क्वायर है, 81 का क्या है, ये वर्ग है, तो अगर ये वर्ग बना है, स्क्वायर बना है, तो ये भी स्क्वायर बनना चाहिए कहीं ना कहीं, और ये भी स्क्वायर बनना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन मार्क 3, 5, 8, 13, 22, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 दुनी 6, 6 में से एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 5, डबल किया उसमें से एक घटाया गया, फिर 5 दुनी 10, 10 में से 2 घटाया तो 8, डबल किया उसमें से 2 घटाया, यहाँ पे एक घटाया था, यहाँ पे 2 घटाया, तो यहाँ पे 3 घटना चाहिए, तो 8 दुनी 16, 16 में से 3 घटाया तो 13, यहाँ 3 घटा तो यहाँ 4 घटना चाहिए, 13 दुनी 26, 26 में से 4 घटाया तो 22, यहाँ 4 घटा तो यहाँ 5 घटना चाहिए, तो 22 दुनी 44, और 44 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 39। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 2, 3, 15, 11, 7 क्वेश्चन मार्क यहां पे है 7। अब देखिए ये 3 है, तो यहां पे अगर आप देखो इसके सामने 7 आ रहा है, तो 3 दुनी 6 और 1 7, यहां पे 5 के सामने 11 है, 5 दुनी 10 और 1 11, यहां पे 7 दुनी 14 और 1 15, यानी डबल करके प्लस 1 किया गया है, तो यहां पे भी मैं इसके सामने यहां आएगा 2 दुनी 4 और 1 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 21 से 25 हो रहा है, 4 बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया, इसमें कितना है, यहां पे 6 बढ़ाया गया, 30 और 6 36, इसमें कितना, 27 और 6 33, यहां पे ये, यहां पे भी 6 बढ़ रहा है, यहां पे भी 6 बढ़ रहा है, यानी आमने सामने वाला पैटर्न नहीं चल पा रहा है। फिर दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो 36, ये 25 है, 25 से ये 23 हुआ, 23 से 21 हुआ, तो 21 से यहाँ कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए, यानी या तो यहाँ 19 आ सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये 25 है, तो इधर की तरफ से देखें तो 27 भी आ सकता है, क्योंकि दो दो का अंतर है, तो या तो 19 आंसर में आएगा या 27 आएगा। और दूसरी सीरीज क्या बन रही है वो भी देख लेते हैं। 36, 36 से क्या हुआ, 33, 33 से क्या हुआ, 30, 30 से क्या हुआ, 27, तो ये वाली जो सीरीज है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसमें क्या है, तीन तीन का अंतर है, और इस वाली सीरीज में क्या है, दो दो का अंतर, यानी दो सीरीज इसके अंदर क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर या तो 19 आएगा या 27, 27 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल क्वेश्चन, 5 × 15 और एक 16, 16 पंजे 80 और एक 81, 81 पंजे 405 और एक 406, 406 की 5 में गुणा करोगे, 5 × 30, 5 × 20, 2030, 2030 में 1 प्लस कर दो, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2031। क्वेश्चन नंबर 17, 2, 3, 5, 2, 3 और 25, तो देखिए 3 और 2, 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, यहाँ पे 15 और 6, 21, 21 का स्क्वायर 441, 10 और 7, 17, 17 का स्क्वायर 289, तो 13 और 12 को जोड़ोगे तो 25, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 और 4 का अंतर 1, 1 का वर्ग 1 या 1 का क्यूब 1, क्योंकि यहाँ पे क्यूब किया हुआ है, 7 और 3 का अंतर 4, 4 का क्यूब 64, 11 और 8 का अंतर 3, 3 का क्यूब 27, तो 8 और 2 का अंतर कितना हुआ 6, तो 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 216, तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा 216। यहाँ पे देखिएगा, 7 × 9 = 63 और 7 × 2 = 14, इन दोनों की गुणा की तो ये आया, इन दोनों की गुणा की तो ये आया, 15 और 2 की गुणा की तो 30 आया, तो 15 की और इसकी गुणा करूंगा तो वो पार्ट ही आ जाएगा, तो 15 × 9 = 135, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 135। इसमें देखिएगा, 5 और 3 = 8, 8 और 4 = 12, 12 और 1 = 13, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इसमें आपको दिया हुआ है 1, ये आपको पूरा डायग्राम दिया हुआ है, देखने में आपको एक बार ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या भारी भरकम क्वेश्चन है, सॉल्व होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे देखो 1, 2 नंबरिंग दिख रही है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कोने वाली नंबरिंग कंटिन्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखो 16 के बाद 17, फिर 18, 19, तो यहाँ 15 है, तो 14 के बाद 15 आना चाहिए, क्योंकि 15 के बाद 16 नहीं आ सकता, क्योंकि 16 तो यहाँ है, तो यहाँ 14 ही आएगा, 14 आएगा, 14 के बाद 15 ही हो गया, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, WT3, ये कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताया है कि ABCD आपको कैसे याद करनी है, कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। अब इस चैप्टर का नाम क्या है, लुप्त वर्ण या संख्या सम्मिलीकरण, यानी आपको क्या करना है कि लुप्त संख्या या वर्ण निकालने हैं, तो ये क्वेश्चन आपने देखे संख्याओं वाले थे, अब इसके अंदर वर्ण भी आ गए हैं, वर्ण मतलब ABCD अल्फाबेट्स आ गए हैं। अब W कितने नंबर पे है, 23 पे, T कितने पे, 20 पे, 23 और 20 का अंतर कितना हो गया 3, S कितने पे, 19 पे, D कितने पे आता है 4 पे, 19 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 15, J कितने पे आता है ABCD में 10वें नंबर पे, T कितने पे आता है 20 पे, 20 और 10 का अंतर कितना हो गया 10, G कितने पे आता है 7 नंबर पे, P कितने पे आता है 16 पे, 16 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा 9, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 9 × 4 करते हो तो 9 × 36 और 36 का वर्गमूल आपको 6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 16 × 9 करोगे, 16 × 9 = 144, 144 का वर्गमूल 12, या ऐसे भी कर सकते हो कि 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 3 और 2 को गुणा किया तो 6, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 4 और 3 को गुणा किया तो 12, ऐसे यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 और ये 20 है, तो यहाँ पे किसी संख्या का वर्गमूल होगा और इन दोनों को गुणा करके 20 आएगा, तो 20 कब आएगा, जब मैं 4 में किससे गुणा करूं 5 से, तो 4 × 5 = 20 और 5 का वर्ग यहाँ होना चाहिए, तो 5 का वर्ग 25, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 18, 19 से 35 हुआ, तो अगर आप देखोगे 18 और 19 को जोड़ोगे तो 37, 37 में से 2 कम किए तो 35 आ गया,
ऐसे 22 और 24 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 46, 46 में से 3 कम किया तो 43। यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ के 2 कम किया, यहाँ पे दोनों को जोड़ करके 3 कम किया, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के क्या करना पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ो 26 और 27, 26, 26, 52 और 1 53, 53 में से 4 कम करोगे तो क्या आ जाएगा, 49। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखोगे 25, यहाँ पे देखो 9 6 54 6 से गुणा, 14 6 84 6 से गुणा, 7 6 42 6 से गुणा। ऐसे इधर अगर आप देखोगे 9 3 27 3 से गुणा, 14 3 42 3 से गुणा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 3 से गुणा, 7 3 21। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 20 आ रहा है यहाँ पे, तो देखो 2 का वर्ग क्या होता है 4 और 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 और 4 20, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 और 9 को जोड़ोगे तो 90। ऐसी 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 1 का वर्ग 1, 49 और 1 को जोड़ोगे तो 50। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 4 3 144, तो देखो 144 कहां से आया होगा, ये 4 थी 12, 12 का वर्ग 144, 11 गुणा 9 करोगे 11 गुणा 9 99, 99 का स्क्वायर करोगे तो 9801। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या जरूरत पड़ रही है, 11 गुणा 9 99 और 99 का स्क्वायर। तो अब आपको अगर स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स पता है तो आप इसका स्क्वायर फटाफट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप 99 × 99 करते रह जाएंगे। तो इसलिए ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके इसका स्क्वायर की ट्रिक्स देख सकते हो, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाना, वहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट आप डालोगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट की ट्रिक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, 15 गुणा 6 करोगे तो 15 6 90, 90 का वर्ग क्या हो जाएगा 8100। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8100। इसमें देखिएगा 28 यहाँ पे 80 आ रहा है, तो 12 8 96 80 नहीं आ पाएगा कुछ भी करके, 12 8 96 में से 16 घटाओगे तो 80, 16 7 112 में से कुछ घटाना पड़ेगा, लेकिन घटा करके तो 207 आएगा ही नहीं। फिर दूसरा पैटर्न क्या बन सकता है कि 12 का वर्ग करके देखो 144, 8 का वर्ग 64, 144 में से 64 अगर आप घटा देते हो तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 80। ऐसी 16 का वर्ग 256, 7 का वर्ग 49, तो 256 और 49 का अंतर कितना आ जाएगा 207। तो यहाँ पे 25 का वर्ग 625 और 21 का वर्ग 441, तो 625 में से 441 घटा दीजिए, 5 में से 1 गया तो 4, 62 में से 44 गए तो 18, 44 और 8 52 और 10 62, 184। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 184। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 6 से ये भाग हो रहा है 6 2 12, 6 3 18, 6 5 30, भाग करने पे 2 3 5 आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे 8 2 16, 8 4 32, 8 5 40। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो अब 18, 36 और 27 ये तीनों किससे कट सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे ये तीनों कट जाए, या यूं कह लो कि 18, 12, 18 और 30 का महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 6, 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब 6 से छोटा 3 भी होता है, 2 भी होता है जिनसे ये कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो महत्तम समापवर्तक निकाला गया है, 6 से बड़ा और कोई, 12 से ये तीनों नहीं कट पाएंगे, तो 6 क्या हो गया इन तीनों का महत्तम समापवर्तक। ऐसी 16, 32 और 40 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 8, 8 से ये भी कट गया, ये भी कट गया। 36, 18 और 27 का महत्तम समापवर्तक क्या आएगा 9, 9 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9। तो जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर HCF LCM मैथ्स तो हमें पढ़नी नहीं है, हमारे तो कोर्स में केवल रीजनिंग है, तो आप देख लीजिए रीजनिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं HCF LCM का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 93, 27, 63 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पे 3 आना है, बहुत कम आना है, तो बहुत कम कैसे आ सकता है, देखो इन दोनों को जोड़ोगे अगर इसको घटाओगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, जबकि मुझे क्या लाना है कम लाना है, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 93 में से 27 घटा दीजिए कितना आएगा 13, में से 7 गए तो 6,
8 में से 2 गए तो 6, 66 आया, इन दोनों का अंतर, और 66 और 63 का अंतर कितना हो गया, 3। ऐसे यहाँ पे देखिए 9 में से 8 गया तो 1, 7 में से 3 गए तो 4, 41 और 37 का अंतर कितना आ गया, 4। यहाँ पे देखिए 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया तो 5, 51 और 42 का अंतर कितना आ जाएगा, 9। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से, उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं सेम नेम से, अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है, द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं, आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हां जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।